जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी 91। और आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है स्पेलिंग करेक्शन या मिसस्पेल्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं मिसस्पेल्ड भी बोलते हैं। और इसमें होता क्या बच्चों कि एक वर्ड लिख दिया जाता है, उसमें हो सकता है कि गलत स्पेलिंग लिख दी जाए। अब आपसे पूछता है कि इसमें से सही स्पेलिंग बताइए या गलत स्पेलिंग वाला वर्ड चुन के बताइए कि इन चार ऑप्शंस में से या पांच ऑप्शंस में से कौन सा होगा। और ये जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि एसएससी के हर एक एग्ज़ाम में आता है, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है एसएससी का जिसमें ना पूछा जाए। और दोस्तों स्पेलिंग एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अगर देखा जाए डेली के रूटीन में अगर देखा जाए तो हम लोग अगर वर्ड्स यूज़ करते हैं तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि अक्सर हम लोग लिखना तो चाहते हैं। जैसे व्हेन इट कम्स टू स्पोकन इंग्लिश, तो कोई कहता है कि सर हम इंग्लिश सीखना भी चाहते हैं, हम बोलना भी चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। अरे भाई कैसे हो पाएगा जब आप हर एक काम हिंदी भाषा में ही करते हो, आपको किसी से चैट करनी है, बातें करनी है, तो भी हिंदी में, और हिंदी में पूरा फॉर्म नहीं लिखते हो, उसमें भी शॉर्ट फॉर्म ऐड कर देते हो। अगर किसी को फाइन कहना है तो आपने एफ बना दिया, नाइन लिख दिया, है ना। इन द सेम मैनर अगर आपको फॉर लिखना है तो आपने फोर लिख दिया। तो ये सब इतने ज़्यादा इससे हम लोग क्या हो जाते हैं, इससे हम लोग लेजी हो जाते हैं। इतना ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, बाद में बड़ी दिक्कत आने लगती है। इसलिए ट्राई टू फ्रेम द होल सेंटेंस, पूरा का पूरा सेंटेंस फॉर्म करने की कोशिश करें, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती, स्टार्टिंग में आप धीरे धीरे करके फ्रेम करेंगे तो आपको जब भी आप फ्रेम करेंगे, सेंटेंस लिखना चाहेंगे, सामने वाले से कोई बात करना चाहेंगे इंग्लिश में, तो आप सर्च करोगे पहले, अरे इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसकी स्पेलिंग क्या है, ये देखते हैं। आप स्पेलिंग देखोगे, आप उस वर्ड को सर्च करोगे, तो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट किसका हो रहा है, आपका हो रहा है कि आप बातें भी करना चाहते हो किसी से तो इंग्लिश में थोड़े थोड़े वर्ड्स यूज़ करो। तो धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें अचानक से नहीं आती हैं, धीरे धीरे आपको इसमें मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी, तभी ये सारी चीज़ें आएंगी। क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स भी इसमें आ जाते हैं एसएससी एग्जाम में जो पहले कभी नहीं सुने होते हैं। अब जाहिर सी बात है जो वर्ड हमने पहले से नहीं सुना है उसकी स्पेलिंग हम कैसे बता सकते, कैसे तय कर सकते कि हाँ इसकी यही स्पेलिंग होगी। इसका मतलब वर्ड कहीं ना कहीं आपने पहले देखा हो या सुना हो तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है कि हाँ ये वर्ड की स्पेलिंग मुझे लगता है जहाँ तक ये होगी। अगर आप थोड़ा बहुत भूल भी रहे हो डजेंट मैटर, आपको याद हो जाता है अगर आपने वर्ड कहीं लिखा हुआ देखा या यूज़ करते हो। इसलिए कहते हैं बच्चों कि एक एक वर्ड को इंग्लिश में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंटली वर्ड्स हैं, उनको यूज़ भी किया करो, लिखा भी करो ताकि स्पेलिंग भी याद आ जाए। और दूसरी बात, अब देखो भाई सारी स्पेलिंग रटना, सारे वर्ड्स रटना, ये तो बहुत ही टेढ़ी खीर है, किसी की बस की बात नहीं है, ना मेरे ना आपके, मेरे भी बस की बात नहीं कि मैं सारे वर्ड्स की स्पेलिंग रटता फिर याद कर लूँ। तो आप कहोगे सर पढ़ा क्यों रहे, फिर इस्तीफा दे दो, नहीं पढ़ाओ। देखो भाई हर कोई एग्जाम, हर कोई इंसान है और इंसान को पढ़ना पड़ता है। इंसान को अगर नॉलेज गेन करना तो उसे पढ़ना पड़ेगा। पहले से नॉलेज लेके तो नहीं आता, नहीं कि पहले से जब से पैदा हुए तब से हमारे पास, मैं तो बचपन से ही स्मार्ट हूँ, जब से पैदा हुआ तब से स्मार्ट हूँ, लेकिन मैंने कभी घमंड नहीं किया। ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं लेकिन सच्चाई तो आपको ही पता है कि पढ़ना तो पड़ता ही है। इफ़ यू आर स्किलफुल यू विल बी नोटेड एवरीवेयर। तो क्या करना होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है स्पेलिंग याद करने का है कोई तरीका, क्या स्पेलिंग याद करने का कोई तरीका हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे सारी स्पेलिंग आती है, मुझे सारे वर्ड्स रटे हुए हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि जो वर्ड मैंने याद कर लिया आज के दिन, जिसकी स्पेलिंग या मीनिंग याद कर लिया, अब मैं उसे जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा। ये तरीका आपको भी करना है। कैसे, मैंने बताया निमोनिक टेक्निक से। अब आप कहोगे सर इसमें भी निमोनिक टेक्निक लगती है क्या, वो तो वर्ड्स की मीनिंग में लगती, वर्ड्स का मीनिंग हमने स्टोरी बनाकर रिलेट करके याद कर लिया, इसमें कौन सी निमोनिक टेक्निक। जी हाँ बिल्कुल लगेगी इसमें, स्पेलिंग एक बार देख लो बस, उसके बाद जिंदगी में दोबारा उसकी स्पेलिंग याद करने की रटने की जरूरत ना पड़े। जैसे अब मैं आपको तरीका बताता हूं कि मैंने कैसे स्पेलिंग याद की है। हम लोग एक्सरसाइज पर बढ़ने से पहले, यहां पर कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो एसएससी में आए क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन पहले तो हम लोग समझ लें बच्चों कि क्या तरीका मैं आजमाता हूं व्हेन इट कम्स टू स्पेलिंग। जब स्पेलिंग याद करने को आ जाए तो मैं क्या तरीका आजमाता हूं ये देखिए, क्योंकि ये स्पेलिंग आपको जरूर पता होनी चाहिए। स्पेलिंग अगर आप कहीं गलत लिख दो ना, बड़ा ही रॉन्ग इंपैक्ट पड़ता है। चलिए स्पेलिंग मैं कैसे याद करता हूं, उससे पहले मैं आपसे पूछूंगा कुछ स्पेलिंग्स, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताएंगे। कीप ऑन गेसिंग द स्पेलिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स आई एम गिविंग यू राइट नाउ। तो पहला है वर्ड निमोनिया, आसान वर्ड है, कोई बहुत मुश्किल नहीं, निमोनिया। चले भाई निमोनिया की स्पेलिंग लिख के दिखाएं। तो निमोनियम पी साइलेंट होता है, राइट अच्छा। इसके बाद बुके दिया जाता है, फूलों का गुलदस्ता दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुके।
तो बुके की स्पेलिंग सोचो भाई क्या होनी चाहिए। तो बुके की स्पेलिंग होती है ये BOOQUET। अच्छा अगर बात करें कर्नल, एक वर्ड होता है कर्नल, की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों, ये COLONEL। एक वर्ड होता है लेफ्टिनेंट, और मजे की बात तो यह है कि लेफ्टिनेंट में एफ आता है लेफ्टिनेंट, लेकिन इसकी स्पेलिंग में एफ कहीं होता ही नहीं है। पूछा जाए बच्चों शैंपेन की स्पेलिंग लिखो, शैंपेन ये लिख दिया। कोई कहता है डायरिया की स्पेलिंग लिखो, डायरिया कोई अगर पूछे कि ट्वेल्थ की स्पेलिंग क्या होगी, ट्वेल्थ ये ट्वेल्थ नहीं, रॉन्ग है, एफ लगता है ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ में एफ लगता है। तो ये कुछ मैंने ऐसी स्पेलिंग्स यहां पे लिखी हैं जिनको याद करने में दिक्कत होती बच्चों को। एक और लिख देते हैं, एक्चुअली ये जो आई ई ए यू होता है बहुत समस्या करता है, सिंगल कोई लेटर है या डबल है ये बहुत दिक्कत करता है, कैसे याद करें कि सिंगल है डबल है ई है या ए है या आई है, पहले आई ई है या पहले ई आई है, ऐसे है समझ में नहीं आता। तो क्या कोई तरीका है आपके पास स्पेलिंग्स को याद करने का, तो मैं आज आपको बताता हूं कि कैसे आप स्पेलिंग याद करो। पहला वर्ड निमोनिया इसको बोलते हैं, लेकिन जैसी स्पेलिंग है बच्चों वैसे ही इसका प्रोनंसिएशन रटना है आपको, याद करना अपने दिमाग में रखना है, यकीन रहे याद रहे कि आपको दिमाग में रखना है, बोलना नहीं किसी के सामने। ये क्या है दुनिया के लिए है निमोनिया, लेकिन मेरे लिए क्या है ये पिन्यूमोनिया, क्या पिन्यूमोनिया। दुनिया के लिए है ये बुके, लेकिन मेरे लिए है ये बाउक्वेट, क्या है मेरे लिए ये बाउक्वेट है। दुनिया के लिए कर्नल है लेकिन मेरे लिए है कोलोनेल, कोलोनेल है मेरे लिए। ये दुनिया के लिए है लेफ्टिनेंट लेकिन मेरे लिए क्या है लाइयूटिनेंट, मेरे लिए क्या है लाइयूटिनेंट, लाई देखो लाई झूठ बोलना लाइयूटिनेंट, और नेंट होता है नेंट, ई एन टी नहीं होता। अच्छा ट्वेल्थ में याद रखना ट्वेल्थ होता है क्योंकि ट्वेल्थ की स्पेलिंग जब लिखते हो तो लास्ट में वी ई होता है, और जब उसको ट्वेल्थ में कन्वर्ट करते हैं तो वी का चेंज होता है एफ में, तो बन जाता है ट्वेल्थ, राइट ट्वेल्थ। शैंपेन दुनिया वालों के लिए शैंपेन है लेकिन मेरे लिए है ये चैम्पैग्ने, क्या है मेरे लिए चैम्पैग्ने है। दुनिया वालों के लिए डारिया है लेकिन मेरे लिए है ये डर, मोटर चला देखो डबल आर ना, डर होइया क्लियर। अब देखो ये है, इसको भले ही हम लोग सेपरेट सेपरेट बोलते हैं लेकिन ये एक्चुअली मेरे लिए क्या है, मैं इसको कैसे प्रोनाउंस करूंगा, लेकिन मन में ध्यान रखना मन में सेपरेट, ताकि मुझे ये कंफर्म हो जाए कि कहां पर ई है कहां पर ए है, सेपरेट में समझ में नहीं आता कहां पर ए है कहां पर ई है, इसलिए मैंने क्या कहा सेपरेट। अब इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से चीजों को रिवाइज करो, पहले पिनिमोनिया बाउक्वेट कोलोनेल लाइयूटिनेंट ट्वेल्थ चैम्पैग्ने डायरोइया सेपरेट। अब बताओ अगर मैं सारी स्पेलिंग्स यहां से हटा दूं तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इनकी स्पेलिंग्स क्या होंगी। चलो एक बार देख लेते हो, सभी लोग देख लो भाई, अभी आपसे पूछते हैं तैयार हो गई सारी की सारी स्पेलिंग्स, तभी मैंने स्टार्टिंग में कहा हो सकता है मुझे सारी स्पेलिंग्स ना याद हो, ये भी हो सकता है कि आपको सारी स्पेलिंग्स ना याद हो, लेकिन भाई सबको ही सीख के तो नहीं आते ना, सीखना पड़ता है। तो क्या ऐसा कोई तरीका आजमाओ जिससे आपको रटना ना पड़े। मतलब भाई होता क्या है कि हम एक वर्ड पढ़ते हैं स्पेलिंग भी रटते हैं लेकिन उसके कुछ दिनों बाद हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये ऐसा तरीका है एक बार याद कर लिया तो जिंदगी भर आप इसको चाह कर भी भूल नहीं सकते, क्योंकि आपके दिमाग में क्या है शैंपेन की जगह चैम्पैग्ने है,
तो इससे आपको स्पेलिंग समझ में आती है कि जैसी स्पेलिंग है वैसी कोशिश करो कि वैसी वर्ड को प्रोनाउंस करने की कोशिश करो। लेकिन मैंने जैसा कि बोला कि ये प्रोनाउंसिएशन, ये साउंड आपके मन में होना चाहिए, ये बाहर नहीं आना चाहिए, लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए, वरना लोग मजाक उड़ाने में देर नहीं लगाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जब लोगों से मिलो तो ऐसे अपने आप को दर्शाओ कि बहुत पढ़े लिखे, बहुत नॉलेजेबल इंसान हो, लेकिन अब अंदर से क्या हो वो तो आप ही जानते हो। खैर, तो ये भी एक स्मार्टनेस होती है ना, स्मार्टनेस, भाई कि भाई मेरी जो वीकनेस है हम उसको स्ट्रेंथ बना के पेश करें। हमें कुछ नहीं आता तो हम सामने क्यों बताएंगे। मैंने इंटरव्यू में बच्चों, इंटरव्यू देने जब जाते हो तो यही होता है कि भले ही आपको नहीं आता, लेकिन हाँ कुछ तरीके से थोड़ा स्मार्ट आंसर, भले ही आपको नहीं आता स्मार्ट आंसर थोड़ा देते हो तो वो एक आध आंसर से आपके इंप्रेस हो जाता है, तो आपकी थोड़ी बहुत भूल चूक को माफ भी कर देता है कि चलो हम इसके एक जवाब से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गए। लेकिन ये वर्ड जो हैं, जैसे मैंने बताया कि आपको किसी के सामने नहीं बोलना है। से एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी शादी पार्टी में गए और एक वेटर जा रहा था, वेटर भाई ग्रुप है, आसपास लोग हैं तो थोड़ा बहुत अपने लोग ऐड दिखाते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं ना, तो कहते हैं हेलो वेटर। अब कुछ लोग तो अंग्रेजी भी बहुत ऐसे एक्सेंट बोलते हैं कि लोगों को लगे कि हाँ अरे अमेरिका से आया क्या। हेलो वेटर, आई वुड लाइक टू हैव ए फाइन ग्लास ऑफ शैम्पियन। शैम्पियन तो अरे आसपास के लोग कहेंगे अरे भाई ये ऐसा लग रहा है कि ये लंडन रिटर्न है ये, लेकिन उसको क्या पता कि तुम्हारे अंदर क्या है, शैम्पेन है बल्कि चैम्पेगने है। किसी ने पूछा कि आई कैन नॉट सी योर फ्रेंड देयर वेयर ही इज, तो आपने कहा वेल ही इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया, वेल ही इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया। तो लोग अरे वाह क्या अंग्रेजी बोलता है, लेकिन उसको क्या पता कि आपके मन में क्या है, डायर हो या है। डजंट मैटर, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आप तरक्की कर ले जाओगे, कोई आपसे पूछेगा क्या कि कैसे पढ़ाई की थी, क्या किया था? पूछेंगे लोग, पूछेंगे, आप खबर में आ जाओगे, आप मैगजीन में आ जाओगे, आप यूट्यूब पे छा जाओगे, पूछेंगे लोग कि आपने कैसे पढ़ाई की थी। तो आप, ये आपके ऊपर है, आप चाहे तो सच बोलो चाहे झूठ बोलो। आमतौर पर लोग बहुत ज़्यादा सच तो नहीं बोलते ऐसे, भाई हर एक चीज़ में फिर प्रमोशन चल रहा है, बिजनेस आ जाता है, कहीं ना कहीं कोचिंग वाले आ जाएंगे, स्कूल वाले आ जाएंगे, यार मेरा नाम बता देंगे, मेरा नाम बता दें, हम आपको इतना पैसा देंगे, हम आपको इतना पैसा देंगे कि आपने यहाँ से पढ़ाई किया, आपने ये चैनल देखा था, आपने सर से पढ़ाई की थी, हम आपको इतना पैसा देंगे। उसमें हर एक चीज़ में बिजनेस आ जाता है। वंस यू आर वेरी सक्सेसफुल, जब आप बहुत ज़्यादा फेम पा जाते हो तो ये आपके साथ होता ही होता है। तो अब ज़रूरत नहीं कि आप वहाँ पर सच बोलो, तो आप झूठ बोल सकते हो कि अरे भैया पढ़े वढ़े कुछ नहीं थे, देखो भाई पढ़ाया लिखा है मन लगता नहीं था, एक बाबा रहे उनका आशीर्वाद रहा तो हम इतना सीख गए भैया, निकाल लिए। ठीक है, तो ये आपके ऊपर भैया। तो चलो अपनी एक्सरसाइज, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं कि आप एक वर्ड को जैसे भी आप याद कर लो, स्पेलिंग आपके दिमाग में होना चाहिए। हाँ, तो यहां पर पहला वर्ड आता हुआ, पहला क्वेश्चन आता हुआ, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी सही स्पेलिंग लिखी हुई है। या गलत स्पेलिंग, देखो इसमें दोनों चीजें हो सकती है, सही या गलत स्पेलिंग लिखी हुई है, ये आपको देखना है। क्योंकि यहां पे लिखा नहीं है कि मिसस्पेल्ड वर्ड को फाइंड आउट करो, सिर्फ इतना से लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसने ये कभी कभी एग्जाम वाले ये भी करते हैं कि कभी कभी तो आपको बता देंगे कि इनकरेक्ट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट स्पेलिंग, या फाइंड आउट द मिसस्पेल्ड, ये पूछ लेंगे, या फाइंड आउट करेक्ट स्पेलिंग। लेकिन यहां पर ध्यान देना बहुत ध्यान से कि चूज द करेक्ट ऑप्शन लिखा है, इसका मतलब ये मिसस्पेल्ड भी हो सकता है, हो सकता है आपसे मिसस्पेल्ड वाला वर्ड पूछ रहा हो, या हो सकता है कि आपसे सही वाला वर्ड पूछ रहा हो। तो ये आपके जिम्मे है, ये आपकी जिम्मेदारी कि आप इसमें देखें कि कितने वर्ड गलत है, कितने वर्ड सही हो, क्योंकि ऑप्शन हमेशा एक ही सही होता है चार में से। इसका मतलब या तो वो अगर गलत वाला पूछ रहा है तो वो एक होगा, सही वाला पूछ रहा है वो भी एक होगा। तो देखिए भाई, टेक योर टाइम, आप सोच लो। कुछ लोग तुक्का ही मारेंगे, तुक्का भी मारना हो जिसको मार ले तुक्का, लेकिन जरूर बताएं इसका आंसर, जरूर करें कि इसका आंसर क्या होगा। चलो चेक करते हैं एक वर्ड को, यहां शुरू करें। एक वर्ड लिखा है पर्सनल, आपको लग रहा होगा शायद ये गलत वर्ड है, या अगर आपको नहीं पता है इसका मीनिंग तो आपको ये गलती लग रहा होगा। लेकिन मैं बताऊं, दो वर्ड होते हैं, एक होता है पर्सनल
इसका मतलब व्यक्तिगत, व्यक्तिगत ये पर्सनल जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है कर्मचारियों से, यानी कि ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं या ऑफिसर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, कर्मचारियों को मिलाकर एक समूह मिलाकर क्या बोला जाता है, पर्सनल बोला जाता है। क्लियर। कर्मचारी जो होते हैं वो बैंक के भी हो सकते हैं, वो ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं, या कह सकते हो स्कूल कॉलेज पढ़ाने वाले लोग, हम लोग भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो काम कर रहा हो, कार्यरत है किसी ना किसी जॉब में, वो पर्सनल है। क्लियर। जैसे आर्मी पर्सनल हो गया। तो ये स्पेलिंग तो बच्चों सही है। नोशनल भी सही है। नोशनल का मतलब ये होता है कोई अगर कह दिया जाए कोई किसी चीज़ का अनुमान लगाना है, गेस करना है, तो उसको नोशनल बोलते हैं, या नोशन से बना, ये हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो काल्पनिक हो, है ना, उसको भी नोशनल बोल सकते हैं। नेशनलिस्ट भी क्या होता है भाई, नेशनलिस्ट वो जो नेशन के बारे में सोचता है, नेशनलिस्ट हो गया, नेशन से बना है। तो नेशन की स्पेलिंग तो समझ में आई थी कि नेशन लिखा है, नेशनलिस्ट लिखा हुआ है, ALIST बिल्कुल सही लिखा है। जबकि मैंने कहा था कि पर्सनल जो व्यक्तिगत होता है उसमें यहाँ पर पर्सोनल ए होता है। और अगर इसकी स्पेलिंग भूल जाते हो, जैसे मैंने इसको कैसे याद किया, ये होता है पर्सोनल, मैंने थोड़ा सा इसको अपने साउंड को थोड़ा सा चेंज किया और कहा पर्सोनल, पर्सोनल बोल दिया, इसको क्या बोला, पर्सोनल बोल दिया, ताकि मुझे याद रहे कि इसमें ई है और इसमें ए है। क्लियर। तो कौन सी गलत स्पेलिंग है, गलत स्पेलिंग सिर्फ एक है जो कि आपका आंसर है ए, बाकी सारे सही। क्लियर। कितने लोग सही हुआ मुझे बताते भी जाएंगे, कितने लोग सही हुआ कि सर ये स्पेलिंग मेरा सही हुआ, या मैंने जो गलत वाली थी वो पॉइंट आउट किया या सही वाली पॉइंट आउट किया। नेक्स्ट। और जितने भी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे टाइप्स मैं यहां पर लेकर आया हूं। नाउ इट इज अप टू यू, चार ऑप्शन है आपके पास, जो भी गलत या जो सही है उसको आपको बताना है। अगर गलत पूछेगा तो बाकी तीन सही होंगे, सही पूछेगा तो बाकी तीन गलत होंगे, ध्यान रखना। कभी कभी क्लियर कर देगा कि गलत स्पेलिंग वाला वर्ड बताओ, और कभी कभी सिर्फ इतना लिख देगा चूज द करेक्ट ऑप्शन, बस दैट्स ऑल। हाँ तो भाई कुछ समझ में आया, प्रेफर कोई गलती है किस चीज को, हम जैसे मैंने कहा कि आई प्रेफर कॉफी टू टी, मैं प्रेफर करता हूं कॉफी को टी से ज्यादा, तो प्रेफर की यही स्पेलिंग होती है बच्चों। डिफर, डिफर का मतलब यहां पर, अब आप सोच रहे हो सर डिफर तो ये होता है डिफरेंस वाला डिफर, है ना, ये स्पेलिंग गलत है। नहीं, एक स्पेलिंग ये भी होती है जो इसमें लिखी है DEFER, जिसका मतलब होता है किसी बात को मान लेना या स्वीकार कर लेना, राइट। और एक डिफरेंस वाला डिफर जो कि मैंने बताया DIFFER, तो इसका मतलब दिस इज नो वर्ड, ये कोई वर्ड होता ही नहीं, इसका मतलब इसकी स्पेलिंग गलत लिखी है, सही स्पेलिंग क्या होगी, डिफर हो जाएगी। और रेफर का मतलब जैसे कह रहे हैं रेफर टू ए डॉक्टर, कि उसके पास जाओ उसको देखो, सी ए डॉक्टर, तो उस कंडीशन में रेफर का यूज किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चले भाई मैं हट जाता हूँ स्क्रीन के सामने से ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो देखने में ऑप्शंस में। इंपेच्युअस बना है इंपेटस से, जिसका मतलब क्विकली, जल्दीबाजी। इंपीरियल, एक वर्ड क्या लिखा है बच्चों, सी इंपीरियल, जिसका मतलब शासन संबंधी, इंपीरियल एम्पायर से बना है। इंप्लीकेशन, जैसे कॉम्प्लिकेशन होता है वैसे इंप्लीमेशन, इंप्लीकेशन। तो अब कौन सा ऐसा वर्ड बचा जो आपको लग रहा है कि गलत है, कुछ पल्ले पड़ा, बताएं क्या लगाया आंसर आपने। इंपीरियल आप सर्च करके देखना, स्पेलिंग सही है। जैसे कॉम्प्लिकेशन होता है इंप्लीकेशन, ये भी सही हो गया। उसके बाद इंपीचुअस, ये भी सही है, इंपेटस से बना है। इंपेटिमेंट, इंपेटिनेंट कुछ नहीं होता बल्कि इंपर्टिनेंट होता है, इंपर्टिनेंट होता है, इसमें आर लगता है, बीच में क्या मिसिंग है, आर मिसिंग है।
जिसका मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अपने आप पे बहुत ही ज़्यादा अभिमान करता हो, या प्राउड हो, या टस से मस ना हो, तो अपने आप को बहुत कुछ समझता हो, दूसरों की ना सुनता हो, क्या है, इम्पर्टिनेंट है। क्लियर? तो यही गलत लिखा हुआ था। तीसरे का हो जाएगा बी। नेक्स्ट, चलिए भाई आंसर दीजिए 10 सेकंड के अंदर, देखते कितने लोग 10 सेकंड के अंदर आंसर कर सकते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सीज डिसीव बिलीव रेन। चले भाई, कुछ समझ में आया? ये बच्चों ये लिखा है, इसको हम लोग रेन प्रेजेंट प्रोनाउंस करते हैं, हालांकि समझ में आता है रीन। वही मैंने कहा कि जैसी स्पेलिंग है वैसे आप प्रोनाउंसिएशन रट सकते हो, ताकि आपको पता चले कि इसकी स्पेलिंग में क्या होना चाहिए। रेन हो जाएगा तो आपको शायद ये वाला रेन याद आए, लेकिन इसको पढ़ते रेन ही है, लेकिन अपनी समझदारी के लिए, स्पेलिंग को समझने के लिए इसको रीन कर देते हैं। जैसे राजा वगैरह होते हैं ना, उनका साम्राज्य होता है, तो उसके लिए जैसे रोमन रेन हो गया, तो उसके लिए ये वर्ड डिनोट किया था। स्पेलिंग बिल्कुल सही है। ध्यान रखें, जैसे रिसीव हो गया, तो रिसीव में पहले ई आता है, फिर ई आता है, उसके बाद चाहे हम रेन की बात करें तो इसमें ये आता है, फिर ये आता है। और सीज, जैसे ये सीज स्पेलिंग लिखी हुई है, इसके बच्चों दो स्पेलिंग होती है, ये वाली भी सही है और एक और स्पेलिंग होती है जिसमें हम लोग इसका यूज करते हैं, ये भी सही है। ब्रिटिश अमेरिकन का बस फर्क है, एक वर्ड और होती है जिसका मतलब होता है रोक देना। सीज, सीज फायर का मतलब क्या? आक्रमण को रोक देना। इस चीज का मतलब होता है, इस चीज का मतलब होता है कोई चीज जब्त कर लेना, जब्त कर लेना, अपने पास रख लेना। और जैसा कि मैंने बताया, बिलीव की स्पेलिंग तो आप जानते हो, बिलीव में एल ई लिखा हुआ है ना? इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है आई ई ई आई, तो ये तो आपको खास तौर से देखना पड़ेगा बच्चों की कहां पर आई लगता है, कहां पर ई आई। और कहते हैं कि जहां पर सी होता है ना, जैसे रिसीव हो गया, डिसीव हो गया, तो सी के केस में ये ई आई हो जाता है। अब यहां पर देखें, सी लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? डिसीव हो जाएगा। इसका मतलब यही गलत लिखा है, बी वाला, बाकी सब सही है। नाउ अगला क्वेश्चन आपके हवाले। ध्यान रहे, कुछ वर्ड्स की दो स्पेलिंग्स होती हैं ब्रिटिश अमेरिकन में अलग अलग, तो अगर दोनों स्पेलिंग्स आ जाएं, दोनों स्पेलिंग्स आ जाएं, एक ब्रिटिश दे दी, एक अमेरिकन दे दिया, तो अब आप क्या लगाओगे? व्हाट वी फॉलो, हम इंडियंस क्या फॉलो करते हैं? अमेरिकन लैंग्वेज को फॉलो नहीं करते हैं, ब्रिटिश लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, इसलिए जो ब्रिटिश में सही होगा उसी को सही माना जाएगा। क्लियर? कुछ समझ में आ रहा है कि कौन से स्पेलिंग इसमें गलत लिखी हुई है बच्चों? बताया जाए, सभी ने अपना अपना गैस कर लिया, बताया जाए बच्चों। मर्सनरी का मतलब होता है जो पैसे पर काम करता है। मर्सनरी मतलब उसके लिए पैसा ही सब कुछ है। आप उसको पैसा दोगे, उसको आप रकम दोगे, तो आप उससे कोई भी काम करा लो, किसी का कत्ल भी करा लो, कर देगा, तो वो क्या कहलाता है? मर्सनरी कहलाता है। मशीनरी संबंधित है मशीनों से, इसकी स्पेलिंग में ए आता है, इसकी स्पेलिंग में ई आता है, दोनों सही है। विजनरी में ए आता है और मिशनरी में भी ए आता है। मिशनरी का मतलब जो ईसाई धर्म के प्रचारक होते हैं उनको बोलते हैं मिशनरी, और जिसमें ए आता है, ई नहीं होता, तो क्या हो जाएगा भाई? ये सही स्पेलिंग यहां पर लिख दे रहे, यहां पर ई की जगह ए हो जाएगा, राइट? क्लियर? तो इसको हम लोग जब जहां पर भी बच्चों ई और ए में आपको डिफरेंस ना समझ में आए, तो हमेशा मैंने कहा जैसे निमोनिक टेक्निक होती, वैसे आप इसको निमोनिक टेक्निक से याद रख सकते हो। जैसे एक एक तरीका मैं और आपको बताता हूं याद करने का। जैसे ग्रे की दो स्पेलिंग होती है, बहुत ध्यान समझना, ग्रे ये वाला और ये वाला, ग्रे दोनों एक ही चीज को बताते हैं, कलर को बताते हैं, ग्रे कलर, ग्रे ग्रे।
अब ये भी सही, एक अमेरिकन एक ब्रिटिश, पता कैसे चलेगा सर कि कौन से अमेरिकन कौन से ब्रिटिश है? तो मैंने कहा ब्रिटिश में ई, इंग्लैंड, ई फॉर इंग्लैंड, और इंग्लैंड का मतलब क्या? ब्रिटिश, इंग्लैंड, जबकि ए का मतलब क्या? अमेरिका, तो ये हो गया अमेरिकन स्पेलिंग। तो इस तरीके से याद कर सकते हो। अब अगर आपको मिशनरी बोलना हो तो मिशनरी बोलना, नरी नेरी मत बोलना, और अगर आपको बोलना है मशीनरी तो मशीनरी मत बोलना, मशीनरी बोलना, मशीनरी। तो मशीनरी बोलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें ई आर वाई है। क्लियर? नेक्स्ट इज, चलो भाई, एमिनेंट, इमिनेंट, एलोक्वेंट, एग्जुबरेंट। चलो भाई, कीप ऑन गैसिंग, और जिन बच्चों को आता है, जिनको आता है वो तो बता ही लेंगे, जिनको नहीं आता वो गैस करके बताएं कि इसमें कौन सा सही, कौन सी गलत स्पेलिंग लिखी है। एग्जुबरेंट, एलोक्वेंट। इसको भले ही एलोक्वेंट पढ़ते हैं, एलोक्वेंट, लेकिन आप स्पेलिंग याद करने के लिए इलोक्वेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि ई से ही होता है। एमिनेंट बिल्कुल सही लिखा है, एमिनेंट का मतलब होता है जो प्रसिद्ध होता है, एमिनेंट राइटर, विख्यात। एलोक्वेंट की भी स्पेलिंग, जो बोलने में बहुत अच्छा होता है, जो बहुत ही अच्छा बोलता है, ऐसा बोलता है कि जो लोग आसानी समझ सके। एक्सुबरेंट का मतलब ये होता है जॉयफुल, बिल्कुल हर्ष, हर्ष उल्लास से भरा हुआ, जबकि एमिनेंट में एमिनेंट होता है जिसमें डबल एम का यूज किया जाता है, इसलिए ये स्पेलिंग गलत लिखी थी। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है, चले भाई आंसर दें। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि ये जो इमिनेंट लिखा हो इसको याद कैसे करें सर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो बहुत करीब हो, निकट होने वाला हो, अबाउट टू कम, तो उसके लिए इमिनेंट वर्ड का यूज़ करते हैं। इसको कैसे याद करेंगे? जैसे एक वर्ड आता है इमिजिएट, है ना, इमिजिएट मतलब तुरंत, इमिजिएटली, तो इमी इसमें भी लिखा हुआ है, और डबल एम याद रहे इसलिए इसको हम लोग अपने मन में रखेंगे कि इमिनेंट, इमिनेंट, राइट? तो डबल एम याद रहेगा, लेकिन बोलना इमिनेंट ही है, इमिनेंट नहीं बोलना। पिक द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट का मतलब अगर तीन गलत हैं तो एक सही होगा, वो सही वाला बताओ, और अगर तीन सही हैं तो एक गलत होगा, एक गलत वाला बताओ। मुझे लगता है कि मिल गया होगा, बहुत इजी है ये। डाइटिशियन हो गया, फिजिशियन हो गया, जो डाइट के बारे में बताए, डाइटिशियन हो गया, स्टैटिस्टिक के बारे में बताए, फिजिशियन, फिजिक्स के बारे में बताए, और इसका एक और मतलब क्या होता है कि आपकी हेल्थ के बारे में बताए। फिजिशियन फिजिक से मिलकर बना है, फिजिक का मतलब क्या है? आप कैसे दिखते हो। तो इसमें बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं बच्चों, मैथमेटिक्स की स्पेलिंग क्या होती है? मैथमेटिक्स, मैथी, इसलिए मैंने याद किया, मैथमेटिक्स नहीं, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, इसलिए गलत था, राइट? तो ये आंसर हो जाएगा अगला। चले बताएं,
एमिकेबल का मतलब बच्चों क्या होता है? एमिकेबल एक बिल्कुल सही वर्ड लिखा हो जिसका मतलब होता है प्रेम या स्नेह करने वाला। और इस वर्ड को कैसे याद कर सकते हो कि अम्मी, अम्मी क्या करती है, मतलब माँ, प्यार करती है, स्नेह करती है, एमिकेबल, राइट। एडमायरेबल वही होता है प्रेम या स्नेह, बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखी है। आप दो वर्ड आपके पास बचे हैं, जल्दी से इसमें तुक्का लगाकर बताएं या सोच के बताएं कि कौन सा वाला स्पेलिंग गलत होगा। कुछ समझ में आया? फॉर्मिडेबल कुछ नहीं होता है, फॉर्मिडेबल होता है, फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब क्या है? डरावना। फॉर्मिडेबल डरावना, फॉर्मिडेबल। और इंडोमिटेबल का क्या मतलब है? जिसको हराया ना जा सके, जिसको हराया पराजित ना किया जा सकते। और इस वर्ड को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? जिसके ऊपर डोमिनेंस ना कर पाओ, डोमिनेट ना कर पाओ, वही इंडोमिटेबल है। तो ये वर्ड सही था, ये गलत था, बी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, चलो भाई, टेलर, स्कल्प्टर, डॉक्टर, फिटर, कौन सी स्पेलिंग सही है, कौन सी गलत है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। हो सकता है कोई सही वाले पूछ रहा हो या हो सकता है गलत वाले पूछ रहा हो, ये आपका काम बताना। आंसर आ गया बच्चों। तो जो टेलर होता है आपके कपड़े सिलता है, टेलर वही होता है जैसे डॉक्टर में वो होता है, गवर्नर में ओ होता है ना। कई बार क्या होता है, टर, टर की साउंड आती है लेकिन कभी टी ई आर और कभी ओ आर, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हम ई आर लगाएं या ओ आर लगाएं, और कभी कभी ए आर भी आ जाता है। तो पहला तरीका या तो आप रट लो, दूसरा उस तरीके से प्रोनाउंस करो जैसे कि स्पेलिंग है। तो गवर्नर, गवर्नर, गवर्नर क्या होता है? गवर्नर होता है। डॉक्टर क्या होता है? डॉक्टर होता है, डॉक्टर, डॉक्टर, कई लोग तो डॉक्टर कहते हैं, तो डॉक्टर में टी ए होगा क्या? फिटर में, फिट करने वाला फिटर होता है, तो डबल टी आता है, बिल्कुल सही स्पेलिंग है। डॉक्टर सही स्पेलिंग है, टेलर भी सही स्पेलिंग है। ये स्पेलिंग गलत है क्योंकि इसमें भी ओ आर आता है, स्कल्प्टर, टी ओ आर, इसका मतलब होता है मूर्तियां, स्टैचू बनाने वाला, ठीक है, मूर्ति को बनाने वाला। नेक्स्ट, अब आप देखें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनका मीनिंग आपको नहीं पता होगा। डजंट मैटर कि आपको मीनिंग नहीं पता है, लेकिन आपको इतना तो पता है कि ये जो वर्ड लिखा है बच्चों, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ कि चूज द करेक्ट वर्ड, गलत होगा क्योंकि ऑप्शन जो है वो एक ही सही होगा, आंसर तो एक ही होगा ना इसका। गलत होगा तो गलत वाला आपका आंसर हो जाएगा, उसी को लगाना। सही पूछा जाएगा तो जो सही है वो लगाना है, और सही तीन तो हो नहीं सकते, सही भी एक ही होगा, क्लियर। तो अब यहां पर आपको पता है कि पिक्टोरियल जो लिखा है वो पिक्टोरियल पिक्चर से बना है, पिक्टोरियल किससे बना है? पिक्चर से बना है, तो पिक्चर में क्या होता है? पी ई पी आई सी होता है, क्लियर है भाई? नेक्स्ट, इलेवन, फाइंड द ऑड वन आउट, फाइंड द ऑड वन आउट। ग्रामेटिक की स्पेलिंग क्या होती है? पहले तो कई बच्चे ग्रामर की स्पेलिंग ये लिखते हैं, तो मैं आपको बता दूं ग्रामर की स्पेलिंग ये नहीं होती, बल्कि ग्रामर में ए होता है, ग्रामर, ये सही है। तो ग्रामर से बना ग्रामेटिक, ऐसी सीधी सी बात है, चाहे ग्रामेटिकल हो, ग्रामेटिक हो, ग्रामेटिकली हो,
ग्रामर हो, डबल एम तो रहेगा और जी आर ए भी रहेगा, जी आर ए डबल एम कहाँ पर है, जी आर ए डबल एम। तो अब यहाँ पर तीन गलत है, देखो ये गलत, ये गलत, ये गलत, सही कौन सी, ये वाली ग्रामेटिक। क्लियर हो गया, तीन गलत थी, जो सही वाली थी वो आपको ऑड वन आउट थी, वो पूछना था। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट वर्ड अगेन। आई हैव अर्लियर टोल्ड यू, जब मैंने इस लेक्चर की शुरुआत की थी तो शुरुआत में ही बताया था कर्नल की स्पेलिंग कैसे आप याद करोगे, या बुके की स्पेलिंग, या लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग कैसे याद करोगे, या डायरे की स्पेलिंग, निमोने की स्पेलिंग कैसे याद? उसमें मैंने बताया था कि सेपरेट की स्पेलिंग कैसे याद करोगे, जैसे कि ये सीपारेट हो, कैसे हो, सीपारेट। तो देख लो कहाँ पर सीपारेट लिखा हुआ है, सीपारेट ये लिखा है, सीपारेट, ये स्पेलिंग सही हो गई, बाकी गलत है। ठीक, नेक्स्ट प्रिविलेज, फैमिलियर, यूजुअली, न्यूसेंस। न्यूसेंस का क्या मतलब होता है, न्यूसेंस का क्या मतलब होता है, बताएं इसको पढ़ते हैं न्यूसेंस, लेकिन इसमें स्पेलिंग देखो नुई लिखा है, एन यू आई। ये इस तरीके से आप स्पेलिंग को याद करते हो, डजंट मैटर कि आप प्रोनाउंस करते हो, लेकिन मैं तो यही आपको राय दूंगा कि जैसे स्पेलिंग वैसे प्रोनाउंस करो, अपने दिमाग में रखो, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन आपको पता होना चाहिए। ये ना हो कि कई लोग मजाक उड़ाने लगे, आप किसी सामने बोल दो अगर। तो बच्चों यूजुअली में, यूजुअली में डबल एल होता है, तो ये स्पेलिंग गलत है, बाकी सही है, राइट। चलो भाई अगला आप लोग बताओ। ओमिटेड की स्पेलिंग क्या होगी बच्चों, ओमिट का मतलब होता है निकाल देना, ओमिट, ओमिट, और ओमिटेड का मतलब क्या हुआ, ओमिटेड का मतलब क्या हुआ, इसकी सेकंड फॉर्म होगी या थर्ड फॉर्म होगी ओमिटेड। तो ओमिट इसमें ओ एम आई होता है, सिंगल टी होता है और डबल टी लग जाता है जब हम इसमें ई डी फॉर्म लगाते हैं, तो ओमिटेड देख ले किसमें लिखा है, ओमिटेड ये वाला, बाकी सब गलत स्पेलिंग है। अच्छा एक बार हम लोग बैक क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने इसमें ये नहीं चेक किया बच्चों, मैंने एक स्पेलिंग तो चेक कर ली, मैंने बाकी नहीं चेक की कि बाकी भी तो गलत हो सकती हैं। बाकी भी तो गलत हो सकती है भाई, तो हो सकता है ये पूछ रहा हो कि सही वाला कौन सा है। मैंने अब देखो एग्जाम में यही गलती होती है, मुझसे जल्दीबाजी में यहां पर हो गई कि मैंने सिर्फ यूजुअली देखा और मुझे लगा, क्योंकि मैं गलत स्पेलिंग वाला कर रहा हूँ, फाइंड आउट द रॉन्ग स्पेलिंग, तो मुझे लगा कि यूजुअली, मैंने सिर्फ बाकी सबको नहीं देखा, मैंने देखा कि यूजुअली में डबल एल होता है, मैंने आंसर टिक करके चले आया मैं, और यहीं पर मुझसे गलती हो गई। ऐसी गलती आपसे भी हो सकती है, क्योंकि बच्चों प्रिविलेज में ये देखें यहां पर आई होता है,
फैमिली, अब देखो सिमिलर जो वर्ड होता है सिमिलर, उसमें ए आर होता है, आई नहीं आता, जबकि फैमिलियर में आई ए होता है। यूजुअली गलत स्पेलिंग थी, प्रिविलेज भी गलत स्पेलिंग थी, क्योंकि यहां पर आई होता है, ये नहीं होता। ठीक है, अच्छा, न्यूसेंस जो हम लोग मचाते हैं, शोरगुल जो करते हैं हम लोग, उसमें बच्चों ए होता है। कहते हैं ना कि जब आप जिस चीज पे फोकस करते हो वही चीज आपको दिखाई देती है। मछली की आंख पे फोकस करो आपको वही चीज दिखाई देगी, बाकी सब भूल जाओगे। तो इन द सेम मैनर मुझे सीधे सीधे यहाँ पर यूजुअली दिखाई दिया और ऐसा एग्जाम में होता है और मैं बाकी सबको भूल गया और मैंने ये टिक कर दिया, हाँ ये तो गलत है, यही आंसर होगा। लेकिन नहीं, सिर्फ ये गलत नहीं है, बाकी तीन भी गलत है। सही वाली कौन सी है? फैमिलियर, ये इसका आंसर होगा बच्चों। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वर्ड। अगेन यहां पर मिसस्पेल्ड नहीं पूछ रहा, करेक्ट वर्ड पूछ रहा, यानी कि हो सकता है कि जिसकी स्पेलिंग गलत हो वो पूछ रहा हूं, जिसकी स्पेलिंग सही हो या वो पूछ रहा हूं। बहुत ध्यान से, ये ट्रिपल लिखना चाहता है जबकि ट्रिपल की स्पेलिंग ये होती है, ट्रिपल, एक गलत मिल गई। स्टंबल लिखना चाहता है, स्टंबल की स्पेलिंग में सिंगल एम होता है, डबल नहीं होता। स्टंबल, स्टंबल का मतलब होता है बच्चों लड़खड़ाना, स्टंबलिंग करना, लड़खड़ाना, बच्चे जैसे होते हैं ना लड़खड़ा चलते धीरे धीरे ऐसे करके। जंबल का मतलब होता है बच्चों, और इसमें भी एक एम होता है और एक बी होता है, देखो डबल बी बना रखा है। जंबल जैसे पैरा जंबल, यानी सेंटेंस से पार्ट ऑफ द वर्ड को इधर उधर कर देना, वो जंबल कहलाता है। ये ट्रिपल था जिसकी स्पेलिंग गलत थी। रंबल का मतलब होता है गड़गड़ाहट, गड़गड़ाना किस चीज का, बहुत तेज आवाज करना है बोलना। तो बाकी सारे गलत स्पेलिंग थे, सही स्पेलिंग थी क्या थी? रंबल थी। नेक्स्ट, हाँ अगला आ गया, कौन सा आपको बताना गलत है सही, जो भी है। एडवर्सरी, एडल्ट्री, एडवाइजरी, आर्बिट्री। बताएं भाई, सारे के सारे वर्ड्स को देखें, तुरंत जैसी गलत या सही मिल जाए तुरंत आगे ना बढ़ें, सारे वर्ड्स को देखें तभी आगे बढ़ें। तो एडवर्सरी जो पहला वर्ड लिखा है उसकी सही स्पेलिंग होती है ए वाई। एडवर्स क्या होता है? बुरी कंडीशन, और बुरी कंडीशन को या बुरा करने वाला जो प्राणी होता है उसको बोलते हैं एडवर्सरी, इंसान। एडल्ट्री का मतलब होता है जिसमें टी ई आर वाई लिखा होता है, एडल्ट्री, जिसका मतलब होता है कि अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखे, यानी शादी के बाद भी अफेयर चलाए इधर उधर, तो वो क्या कर रहा है? वो एडल्ट्री कर रहा है। क्लियर, ऐसे याद हो जाएगा आपको। एडवाइजरी, एडवाइजरी का मतलब क्या हुआ? जो आपको एडवाइस करे, एडवाइजरी हो गया। और ये बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखी है, ये गलत थी, ये गलत थी, ये भी गलत है, क्योंकि ये कहना चाहता है आर्बिट्ररी। आर यहां पे मिस कर दिया, आर ए आर वाई, जिसका मतलब होता है जो स्वेच्छा से अपना फैसला लेता है। और इस वर्ड को कैसे याद कर सकते हो? कि ऑर्बिट से बना आर्बिट्ररी, ऑर्बिट, ऑर्बिट याद रखो कि जो कोई प्लैनेट होता है ना अपनी ऑर्बिट में रहता है, यानी कि अपने अनुसार चलता है, खुद का फैसला, इसलिए वो आर्बिट्ररी ऐसे याद हो जाएगा। क्लियर, तो एडवाइजरी बिल्कुल सही वर्ड था, बाकी सारे गलत थे, इनकी स्पेलिंग गलत थी। अगला वर्ड, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताएं कि इसमें क्या होना चाहिए। बहुत आसान है बच्चों,
तो आ जाए। टेक यू टाइम, ये जो वर्ड है बच्चों, ये कहना चाहता है इमिनेंट, इसमें ई होता है, यानी गलत हो गई। टॉलरेंस बना है टॉलरेंट, तो टॉलरेंट जो होता है बच्चों, जिसमें ए एन टी होता है। जुबिलेंट का मतलब हर्ष उल्लास से भरा हुआ, बहुत खुश, जॉयस। तो जुबिलेंट की स्पेलिंग जो लिखी है वो सही लिखी है बिल्कुल। इबुलियंट का मतलब होता है जिसमें डबल एल होता है, इसका मतलब भी यही होता है जो जुबिलेंट का मतलब होता है, यानी हर्ष उल्लास से भरा हुआ, खुशी से भरा हुआ, है ना। तो कौन सा वर्ड गलत है, ये भी गलत है क्योंकि इसमें डबल एल होना चाहिए, एल एल। इसमें एमिनेंट इसलिए गलत है क्योंकि यहां पर ई होना चाहिए, टॉलरेंट इसलिए गलत है क्योंकि यहां पर ए होना चाहिए। तो बचा कौन सा जो कि सही है, जुबिलेंट, बी लगा दी। नेक्स्ट, फाइंड आउट द ऑड वन आउट। एम्बैरेसमेंट लिखा हुआ है, हरासमेंट लिखा हुआ, फुलफिलमेंट लिखा हुआ है, डिनोमेंट लिखा हुआ है। चले भाई बताएं, कोशिश करें बताने की कौन सा गलत है कौन सा सही। चलो भाई सबकी स्पेलिंग लिखते हैं एक बार। हरासमेंट का मतलब क्या, किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करना, हरासमेंट किसी भी तरीके से, यानी कि उसको मारना या उसको गाली देना, ये हरासमेंट एक तरीके से हो गया। तो इन दोनों स्पेलिंग में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, मैं आपको तरीका बताता हूँ याद करने का। चाहे हरासमेंट हो चाहे एम्बैरेसमेंट हो, हमेशा याद रखना कि लास्ट में डबल एस दोनों जगह होता है। पहले वाले में सिंगल आर हरासमेंट, लेकिन डबल एस रहेगा, इतना याद रखो कि हरासमेंट में डबल एस, एम्बैरेसमेंट दोनों में डबल एस रहता है, लेकिन लेकिन हरासमेंट में सिंगल आर होगा जबकि इसमें दोनों डबल आर डबल एस रहेगा। यानी कि एम्बैरेसमेंट की स्पेलिंग क्या होगी, एम्बैरेसमेंट डबल एस एम ई एन टी। देखो यहां पर डबल आर था, गलती क्या थी कि डबल एस चाहिए, एक और एस चाहिए, इसलिए गलत हो गया। अच्छा इसमें डबल आर डबल एस कर दिया जबकि इसमें क्या होता है, सिंगल आर होता है, इसलिए यह भी गलत हो गया। इसके बाद फुलफिलमेंट को आते हम लोग ये पढ़ते हैं, ये क्या कहना चाहता है, डिनाउमेंट कुछ नहीं होता है बल्कि डिनाउंसमेंट होता है। कहना क्या चाहता है, जैसे अनाउंसमेंट होता है बच्चों, वैसे डिनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट का मतलब ये होता है कि भाई किसी की तारीफ कर रहे हैं तो कोई अनाउंसमेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन डिनाउंसमेंट का मतलब ये होता है कि जब किसी की बुराई हम लोग करते हैं तो वो डिनाउंसमेंट होता है। या डिनाउंसमेंट का एक और मतलब ये होता है कि किसी काम को खत्म कर देना, तो वो डिनाउंसमेंट हो गया। क्लियर। अब आपने देखा होगा कि जैसे अनाउंसमेंट किसी चीज़ का होता है तो वो काम शुरू होता है कि अनाउंस करो तो भाई शुरू होने वाला है कोई काम। लेकिन डिनाउंस का मतलब क्या है, जस्ट ऑपोजिट उसका वर्ड है। तो ये वर्ड हमारे लिए गलत है और ये भी गलत है और ये भी गलत है। सही कौन सा, फुलफिलमेंट, जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखे हुए। फाइंड ऑड वन आउट अगेन। डिसेंट्री, मोमेंट्री, सिमेट्री, कमेंट्री, बताएं भाई।
क्या लगता है आपको, गलत या सही, कौन सी स्पेलिंग होगी? बताया जाए भाई, आगे आंसर आपका। डिसेंट्री क्या होती है बच्चों? एक होती है डायनेस्टी, एक होता है डिसेंट्री। डिसेंट्री का मतलब होता है जब किसी का पेट खराब हो जाता है, उसको लूज मोशन होने लगते हैं, तो उसको डिसेंट्री बोला जाता है। स्पेलिंग बिल्कुल सही है। जबकि ममेट्री में TARY होता है, और सिमेट्री में क्या होता है कि जो अमेरिकन है उसमें ए होता है जबकि ब्रिटिश में ई होता है, तो हम लोग क्या मानते हैं, ई वाला, तो इसको हम लोग गलत मानेंगे। ये गलत, ये गलत। कमेंट्री में डबल एम होता है, डबल एम, इसलिए ये भी गलत। कमेंट्री में गलत 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 सही कौन सा हो गया? डिसेंट्री। नेक्स्ट बताइए, मेलिग्नेंट, इंपर्टिनेंट, इंडिपेंडेंट, नेग्लिजेंट, कौन सा गलत है या कौन सा सही है? को समझ में आ रहा है बच्चों? इंपर्टिनेंट की स्पेलिंग क्या होती है? इससे पहले ये वर्ड आया था इंपर्टिनेंट, नेंट, NENT, है ना, नेंट। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, डेंट नहीं होता, डेंट होता है, क्लियर। नेग्लिजिबल या नेग्लिजेंट का मतलब किसी को अवॉइड करना, नेग्लेक्ट करना, ना के बराबर, तो उसमें नेग्लिजेंट होता है, एल के बाद आई होता है। जबकि मैलिग्नेंट बिल्कुल सही, ये गलत, ये गलत, ये गलत। मैलिग्नेंट बिल्कुल सही, जिसका मतलब क्या होता है, हानिकारक, हार्मफुल, मैलिग्नेंट। अगला बहुत आसान बच्चों, ये वर्ड आपने पढ़ा भी होगा, मोनार्की हो गया या मोनोटोनस हो गया, जिसमें मोनो लगा होता है वो एक आदमी द्वारा होता है, कोई चीज स्वयं के द्वारा, एक आदमी द्वारा, मोनो या एक जैसा। कोई अगर बहुत लंबी सी स्पीच दे दे और किसी और को बोलने ना दे, तो वो क्या होता है, मोनोलॉग होता है। लॉग में क्या है, GUE होता है, मोनोलॉग, तो मोनोलॉग। ये वाला सही, बाकी गलत है, ठीक। नेक्स्ट, सुपरसीलियस, कौन सा स्पेलिंग सही है? बहुत ही आसान बच्चों, समझ में, देख के समझ में आ रहा होगा कि कौन सा स्पेलिंग सही है। देखकर समझ में आ रहा होगा कौन सा स्पेलिंग सही है। सुपरा कुछ होता नहीं, सुपरा सीलियस कुछ होता नहीं, सुपर सीलियस, इसमें डबल एल होता नहीं है, और सुपेरी सील, ये वाला सही है, बाकी सारे स्पेलिंग गलत है। इसका मतलब क्या होता है, एरोगेंट, घमंडी, सुपर सीलियस। नेक्स्ट, हॉन्चेस की स्पेलिंग बच्चों गलत लिखी है, हॉन्च से बना, हॉन्चेस, हॉन्चेस नहीं होता, डबल एच नहीं होता। हॉन्च का मतलब होता है जांग का पार्ट, या आप कह सकते हो कि आपके हिप के नीचे का पार्ट जो कहलाता है वो हॉन्च कहलाता है।
मार्केटेड में क्या होता है, मार्केटेड है ना, मार्केट की सेकेंड फॉर्म अगर वर्ब के रूप में यूज हो रही, डबल टी आता नहीं, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बचा क्या, ट्रांसमिट, बिल्कुल सही है, ट्रांसमिट। नेक्स्ट, रिकॉनसेंस, कौन सा स्पेलिंग सही लगी है, लग रही है आपको, रिकॉनिसेंस का क्या मतलब होता है, जांच पड़ताल करना, परीक्षण करना किसी चीज का, और ध्यान ये रहे कि इस स्पेलिंग में डबल एंड डबल एस होता है, तो कौन सा वाला सही है, बाकी सारी स्पेलिंग गलत है, ये वाली स्पेलिंग सही हो जाएगी। और इसको कैसे कैसे आप लोग याद करोगे कि कौन ना के कहने मतलब ये है डबल एन और डबल एस, डबल एंड डबल एस इसमें याद करो और अपने आप ये स्पेलिंग याद हो जाएगी, राइट। एकोमोडेट, एकोमोडेट की स्पेलिंग क्या होगी भाई, देखे भाई एकोमोडेट का क्या मतलब होता है, एकोमोडेट का मतलब होता है किसी को रहना या खाना प्रदान करना, एकोमोडेट होता है, बहुत ही आसान स्पेलिंग है, देखते हैं कितने व्यूअर्स बता सकते हैं इसकी सही स्पेलिंग। चलो भाई बताए इसकी स्पेलिंग क्या होनी चाहिए सही, मैंने इसका मतलब आपको बता ही दिया, इसका मतलब होता है किसी को रहने या खाने पीने का जगह देना या खाना पीना प्रोवाइड करना, अकोमोडेट करना होता है, इसको ऐसे याद करोगे एकोमोडेट, एकोमोडेट यानी डबल सी डबल एम, जैसे अगर कमिटी की बात करें तो कमिटी में डबल एम डबल टी डबल ई होता है कमिटी, है ना, तो हमने इसको ऐसे याद किया कमिटी, यानी कि यहां पर डबल टी डबल एम डबल ई, तो एकोमोडेट, ये एकोमोडेट राइट। बच्चों थॉरली की स्पेलिंग क्या होती, थॉरली, देखे भाई थॉरली की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए बताएं, कुछ समझ में आ रहा है, थॉरली, कीप ऑन गेसिंग, बताते जाओ जो भी आपको सही लग रहा है, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा कि सही स्पेलिंग क्या है। थॉरली का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से, पूरे तरीके से, यू हैव टू स्टडी योर चैप्टर थॉरली, आंसर आया, थोरा फॉली नहीं होता, थोरो
होली नहीं होता, इतनी बड़ी स्पेलिंग नहीं होती, थारा नहीं होता है, तो बचा क्या, ये थॉरली, बी वाली। तो बच्चों मुझे लगता है कि यहाँ तक हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स शेयर कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। इसकी आगे की जो एक्सरसाइज बच्चों हम अगले टर्न में सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए आप और भी ज़्यादा स्पेलिंग को प्रैक्टिस करिए, ताकि अगली जो एक्सरसाइज होगी उसमें हम लोग और भी ज़्यादा अच्छे से कर सके, ध्यान दे सके। और आपके उम्मीद है कि 26 में से 8 या 10 सही आपके हो गए होंगे, अगर इससे ज़्यादा सही हो तो बहुत अच्छी बात है, और अपने ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें तो आप समझ लीजिएगा, क्योंकि दिस इज़ नेवर एंड। हम ये नहीं कह सकते कि ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ये एंड नहीं है बच्चों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। जितना भी आप पढ़ लो उतना आपके लिए कम है। क्लियर? तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर में, तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, और हमेशा की तरह जय हिंद।